तो हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो भाई फिलहाल हम लोग जो है कहीं वीडियो बनाने जा रहे थे, मैं लोकेशन आपको शेयर नहीं करूँगा क्योंकि कुछ से हमारी गाइडलाइन होती हैं। तो भाई हमें यहाँ पे जो है रोड पर एक ये नहर आप देख सकते हैं, हमें ये नहर दिखाई दी। तो भाई इसमें जो है एक ऐसी जो मतलब कट्टे में जो मतलब एक डेड बॉडी सी हम लोगों ने दिखाई दी थी और वो बहुत आगे है, अभी आपको दिखाएंगे जब वो इस साइड आएगी। तो भाई हरियाणा में आप सभी ने देखे होंगे वारदात बहुत ज़्यादा होने लग गई हैं, आए दिन कोई किसी को चाकू मार देता है, कोई किसी की हत्या कर देता है, कोई लव मैरिज कर लेता है उसको मार देते हैं। तो आए दिन हरियाणा में इतनी ज़्यादा गैंगवार हो चुकी है कि आप सोच भी नहीं सकते। एक बंदे से अगर आप नॉर्मली बात भी करोगे तो भाई वो भी आज के टाइम बता देता है कि मैं गुंडा हूँ, मैं गैंगवार हूँ। तो फिलहाल हम लोग ये नहर आपको दिखा रहे थे, इसमें भाई मैं पुष्टि तो करता नहीं लेकिन बताया जा रहा है कि आए दिन एक न एक लाश इस नहर में आती है, आए दिन एक डेड बॉडी इस नहर में देखने को मिलती है। अभी ऑफ कैमरा जो यहाँ पर बंदे लोकल यहाँ के बंदे मौजूद थे वो बता रहे थे कि भाई हम लोग कैमरे के सामने तो नहीं आएंगे, जो आसपास के किसान थे वो ये बात बोल रहे थे कि हम लोग जो है कैमरे के सामने तो आ नहीं सकते, हमारी कुछ प्राइवेसी है वो। तो हम लोगों ने कहा कि कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने पूरी बात बताई है कि वो जब रातों को यहाँ पर खेतों में पानी वगैरह लगाते हैं जब, तो रातों को वो शरेआम देखते हैं भाई लाश से किस तरीके से जो है शरीर के कटे हुए जो पार्ट होती हैं वो इस नहर में देखने को मिलते हैं। और किसानों का कहना है कि ये पीछे से भाई जो ये जहाँ से ये नहर आती है ये बड़ी जो मतलब भाखड़ा आगे जो है उसमें से ये आती है और उसी में से कुछ पार्ट जो इसमें वही देखने को यहाँ पर मिलता है। तो भाई आप कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं हरियाणा में आए दिन देखते हो और इस नहर में आए दिन ऐसी एक न एक डेड बॉडी हो या फिर और भी जानवरों की भी जो डेड बॉडी है इस नहर में देखने को मिलती है, गौ माता की हो गई, कुत्तों की हो गई। तो भाई यदि आप भी ऐसे ही नहर में किसी की डेड बॉडी वगैरह देखे तो आप उसी समय या तो आप प्रशासन के पास कॉल करें या फिर उसी समय जानवर की किसी की डेड बॉडी आपको देखने को मिली है तो उसको बाहर निकाल करके दफना आप सकते हैं, एक पुण्य का काम आप कर सकते हैं क्योंकि ये ज़रूरी है भाई, इसे जल भी बचेगा और जो हत्या हुई है कहीं ना कहीं उसको भी मुक्ति मिलेगी और आप भी जो है पुण्य के भागीदार बनोगे भाई। तो ये नहर में जो बातें थी कि भाई आए दिन इसमें एक न एक डेड बॉडी दो तीन दिन में देखने को मिलती है, शरेआम जो है किसानों ने बताया है कि आए दिन ऐसी घटनाएं इसमें देखने को सामने आई हैं, लेकिन हम इन बातों की पुष्टि नहीं करते। जो आसपास के लोग थे, जो किसान थे, उनका कहना है कि बहुत सारी हफ्ते में दो दिन में आती रहती हैं कट्टे में डल के, कई चीज़ों का तो पता भी नहीं चल पाता भाई कट्टे में बोरी में डला क्या हुआ है, मतलब इन बातों का ये भी नहीं पता होता कि ये डेड बॉडी है या क्या है ये, क्योंकि ऐसे फूला हुआ सा जब वो दिखता है तो ऐसे अनुमान लगाते हैं कि भाई ये डेड बॉडी हो सकती है। तो भाई आपसे यही निवेदन है कि आपको भी ऐसे नहर में कोई डेड बॉडी वगैरह दिखाई दे तो आप उसको निकाल के प्रशासन को कॉल करें ताकि उसको मुक्ति मिल पाए। और ये जो घटना थी हरियाणा में आप सभी के साथ साझा करनी ज़रूरी थी क्योंकि आए दिन ऐसी घटनाएं आपने हरियाणा में देखने को मिलती रहती हैं। तो ये नहर आपके साथ साझा की थी, यहाँ पर ऐसी घटनाएँ शरेआम जो है हो सकता है भाई आगे, क्योंकि नहरों का कोई पता नहीं होता ये कहाँ से आती है डेड बॉडी, क्योंकि बहुत लंबा इनका जो जाल होता है। तो भाई ये जानकारी आप सभी के साथ साझा करनी ज़रूरी थी। वीडियो कैसी लगी है और आपके पास भी कोई ऐसी डेड बॉडी वगैरह आपको कोई दिखाई दे तो स्क्रीन पर हमारा नंबर चल रहा है, आप हमें भी कॉल कर सकते हैं ताकि भाई हम उसकी वीडियो वगैरह बना करके सभी को जागरूक कर सकें। हमारी यही मुहिम है कि किसी के साथ गलत ना हो, तो भाई वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाएगी, इसलिए आप अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए दे सकते हैं। मिलेंगे आगे और नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए। जय हरियाणा, जय भाईचारा।